इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोरकास्टिंग के पहले मेथड की। ये बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल मेथड होता है जिसको कहा जाता है मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड में हम अपने पास्ट डेटा को इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। करंटली हम 12 मंथ्स के डेटा को यूज कर रहे हैं एक फर्म के, जिसने 12 मंथ्स में मुख्तलिफ लेवल की प्रोडक्शंस की हैं। तो प्रोडक्शन का डेटा इस्तेमाल करते हुए हम प्रिडिक्ट करेंगे 13th मंथ और 14th मंथ की प्रोडक्शन को। इस मेथड में हम 3 मंथ्स का एवरेज भी ले सकते हैं, 4 मंथ्स का एवरेज भी ले सकते हैं, और यूजुअली हम हर 3 मंथ्स के बाद चौथे मंथ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो करंटली हम 12 महीने का डेटा इस्तेमाल करते हुए 13th और 14th मंथ तक प्रिडिक्शन को लेकर जाएंगे। इस मेथड में जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर फर्ज करते हैं आप 3 मंथ्स की फोरकास्टिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों की प्रोडक्शन को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, तो बेसिकली ये आपके पास 3 मंथ्स का एवरेज आ गया। इन पास 3 मंथ्स के एवरेज को आप कंसीडर कर लेंगे अपने 4th मंथ की प्रोडक्शन। इसका मतलब है अप्रैल में आप क्या प्रोडक्शन करेंगे, इसका अंदाजा आप लगाएंगे इस बात से कि आपने जनवरी में जो प्रोडक्शन की प्लस फेब में जो प्रोडक्शन की प्लस मार्च में जो प्रोडक्शन की, तीनों प्रोडक्शंस को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो मूविंग एवरेज मेथड के हिसाब से आपके अप्रैल की प्रोडक्शन आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अप्रैल आपके पास है तो अब आप लास्ट 3 मंथ्स को लेंगे। अगर आपको मई की प्रोडक्शन करनी है तो मई की प्रोडक्शन करने के लिए मई से प्रीवियस 3 मंथ्स को लेंगे, यानी हम अब हम जो डेटा ले रहे होंगे वो लेंगे अप्रैल, मार्च एंड फरवरी। वंस अगेन मेथड सेम होगा, तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो आपके पास मई की प्रोडक्शन आ जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम प्रोडक्शन को लेकर चलेंगे तो हम दिसंबर तक की प्रोडक्शन कर लेंगे। ये हमारा पहला मेथड है प्रोडक्शन का, मूविंग एवरेज मेथड। यूजुअली ये मेथड तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी सेल्स बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है और सेल्स में अप एंड डाउन ट्रेंड्स ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपकी सेल्स 100% आपके पास ट्रेंड को फॉलो करके आगे जा रही हो तो इस मेथड का इस्तेमाल सबसे बेहतर होता है।